सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो बेसिकली आज इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग वन ओ फाइव प्रॉब्लम ऑफ लीड कोड दैट इज़ कंस्ट्रक्ट अ बाइंड्री ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ड्राइवर्सल तो ये मीडियम टाइप की प्रॉब्लम है और ये तो आनी चाहिए मतलब अगर तुमने ट्रीज पढ़ रहे हो डी एस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी कंपनी के लिए तो ये प्रॉब्लम आनी चाहिए काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है और पूछी जा सकती है ठीक है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्राइवर्सल ऑफ अ ट्री कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री ठीक है और एक नोट दिया है यू मे अज्यूम दैट डुप्लीकेट इज नॉट इन हिस्स ट्री तो मतलब इस ट्री के अंदर सारे यूनिक एलिमेंट्स है कोई डुप्लीकेट होगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुमको फिगर आउट करने में ठीक है ओके ये सब क्लियर है तो यार मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर क्या होता है ऑलरेडी पता है बट अगर नहीं पता चलो मैं फिर से तुम्हें बता देता हूँ जल्दी से कि ये ट्री देखो यार तो प्री ऑर्डर के अंदर हमेशा क्या होगा कि पहले रूट प्रिंट करी जाएगी रूट प्रिंट कर दो उसके बाद उसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाओ और उसको प्रिंट करके ले आओ पूरा लेफ्ट सप्ट्री प्रिंट करके लाओ फिर उसके राइट right चाइल्ड पे जाओ उसका राइट right सप्ट्री पूरा प्रिंट करके ले आओ और वो प्री ऑर्डर बन जाता है ठीक है तो जैसे इसका प्री ऑर्डर दिया हुआ है हमको इस ट्री का तो देख सकते हो कि थ्री सबसे पहले आ रहा है फिर नाइन आ रहा है फिर इसके लेफ़्ट में ख़त्म हो गए सारे तो ट्वेंटी पे चले गए क्योंकि वो राइट right में है फिर ट्वेंटी के लेफ्ट में गए फिर उसके लेफ्ट में ख़त्म हो गया फिफ्टीन के लेफ्ट में कुछ नहीं था सेवन पे चले गए ऐसा थी ठीक है प्री ऑर्डर ऐसे होता है इन ऑर्डर के अंदर क्या रहता है कि इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट हैंड साइड चले जाते हैं हम बोलते हैं यार इसके लेफ्ट में अगर कुछ भी है तो पहले उसको प्रिंट करो उसको प्रायोरिटी देंगे पहले वो प्रिंट हो जाएगा फिर रूट को कर देंगे रूट हो जाएगा तो राइट को कर देंगे तो ये सीन रखा है ठीक है तो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है अब तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए ठीक है तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार प्री ऑर्डर भी दे दूंगा इन ऑर्डर भी दे दूंगा ठीक है तेरे को क्या काम करना है कि मेरे को ट्री बना के देना है ठीक है बना देंगे तो अब कैसे करें वो तो पहले अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं कैसे करना है तो सीन ये है कि प्री ऑर्डर के अंदर जैसे मैंने बताया कि हमेशा पहले रूट पड़ा हुआ होता है तो पहला एलिमेंट हमेशा प्री ऑर्डर के अंदर जो होगा ना वो होगा हमारा रूट ठीक है तो सबसे पहले हम उठा के डाल देंगे कि थ्री तो रूट है अब बाकी का ट्री फिगर आउट करना है ठीक है तो अब इसके लिए ना हम हेल्प लेंगे थोड़ी सी इन ऑर्डर की इन ऑर्डर में ना रूट लोकेट करते हैं क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि यार मैंने बताया कि इन ऑर्डर में रूट से पहले ना हम सारे लेफ़्ट वाले प्रिंट कर देते हैं तो अगर हमने रूट लोकेट कर ली ना अपनी इन ऑर्डर वाली लिस्ट के अंदर तो हमें यह पता चल जा जाएगा जा कि इससे पीछे वाले जो एलिमेंट्स हैं ना वो सारे इसके लेफ्ट चाइल्ड के मतलब लेफ़्ट सब्टी में आएंगे इसके और इसके बाद के जो हैं वो सारे इसके राइट सब ट्री में आएंगे ठीक है तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि इस केस के अंदर जब तुम थ्री लोकेट करोगे ना तुम्हें पता चलेगा कि थ्री के लेफ्ट हैंड साइड में ना सिर्फ नाइन आने वाला है लेफ्ट सब ट्री में सिर्फ नाइन आएगा ठीक है और बाकी सारे उसके राइट सब ट्री में आ जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अब इससे हम प्री ऑर्डर में कैसे ढूंढ लेंगे हम गिन लेंगे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ना एक ही एलिमेंट आया था इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो थ्री के बाद एक एलिमेंट है वो लेफ्ट सब ट्री में आएगा और बाकी एलिमेंट्स जो है ना वो तुम डाल के रख लेना किसके लिए राइट सबट्री के लिए वो सेव करके रख लेना ठीक है सो आई होप कि अप्रोच अच्छे से क्लियर हो गई हो अगर अब ये समझ आ गया है इतना तो आगे कोड करना ना इतना मुश्किल नहीं होगा और अगर नहीं आया तो यार प्लीज़ एक बार फिर से सुन लेना तो मतलब समझ आ जाएगा ठीक है तो अब हमें क्या करना है कि कोड करना शुरू करते रिकर्सिव अप्रोच यूज़ करेंगे कोड करने के लिए ठीक है तो कोड करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यार एक कंस्टेंट ये डालना ज़रूरी है हमारे लिए कि जो प्री ऑर्डर है ना हमारे पास जो हमको दिया हुआ है प्री ऑर्डर एरे, उसका साइज ज़ीरो ना हो क्योंकि ज़ीरो होगा ना तो कोई ट्री नहीं बन सकता तो रिटर्न नल करना चाहिए ठीक है प्री ऑर्डर इन ऑर्डर का साइज तो सेम ही होगा तो प्री ऑर्डर जीरो है या इन ऑर्डर से चेक करना इन ऑर्डर से कर लेना प्री ऑर्डर से करना है मैंने प्री ऑर्डर से किया ठीक है अगर दोनों में से किसी का भी साइज़ नल है तो मतलब ज़ीरो है तो रिटर्न नल करना है हमें सीधा सीधा ठीक है उसके बाद मैं एक बिल्ड फंक्शन बनाने वाला हूँ जो मेरा ट्री बिल्ड कर देगा और जो भी वो आंसर देगा उसे मैं रिटर्न कर दूँगा ठीक है अब बिल्ड फंक्शन बनाने के लिए मैं उसको क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स देने वाला हूँ ये डिसाइड करना है तो यार ये प्री ऑर्डर जो एरे मुझे दी है ये तो देना बनता है ना उसको ये दे, दे देंगे स्टार्टिंग एलिमेंट दे देंगे और एंडिंग एलिमेंट भी दे देंगे इसका जो कि मिल जाएगा हमको माइनस वन करके ठीक है और क्या देना ज़रूरी है इन ऑर्डर देना ज़रूरी है ये वाला एरे जो दिया हुआ है और स्टार्टिंग इंडेक्स देना ज़रूरी है और इसका एंडिंग इंडेक्स देना भी ज़रूरी है।, है ना चलो भाई ठीक है तो ये जो ये वाला है ये तो पूरा हो गया है अब बस मेन काम करना है <laughs> जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो बिल्ड वाला वो करना है ठीक है टुच्चा काम हमने पहले कर दिया तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेरे पास पहले से ही लिखा हुआ है कोड तो मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो जाता मैं लिखूँगा नहीं तुम्हारे सामने ठीक है बट ट्रस्ट भी मैंने लिखा है मैं ऐसे कोई फर्जी नहीं हूँ ठीक है तो ये बिल्ड फंक्शन है इसके अंदर जो मैंने बताया सबसे पहले प्री ऑर्डर आ दिया है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स को मैंने प्री स्टार्ट में ले लिया प्री एंड -end उसका एंडिंग इंडेक्स ले लिया इन ऑर्डर आ दे दी उसको उसका इन्स मैंने ऐसे इन इन ऑर्डर स्टार्ट और ये इन ऑर्डर एंड ऐसे करके रख लिया ठीक है चलो ये तो क्लियर हो गया अब हम अंदर की बात करते हैं कैसे करना है तो मैंने बोला रिकर्सिव फंक्शन बनाना है अब रिकर्सिव फंक्शन बनाना है तो भाई बेस केस सोचना पड़ेगा ठीक है ना तीन तो स्टेप होते हैं रिकर्सन के अंदर एक बेस केस ढूंढो एक स्मॉल कैलकुलेशन करो और फिर एक रिकर्सिव स्टेप होता है कि बार बार रिकर्सिव मतलब रिकर्सन सेम फंक्शन कॉल करे ठीक है तो ये तीन स्टेप्स रहते हैं तो बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये बेस किश डाला ये कि अगर प्री स्टार्ट प्री एंड के बड़ा हो जाए या फिर और या फिर इन ऑर्डर स्टार्ट इन ऑर्डर एंड से बड़ा हो जाए तो यार कोई एलिमेंट है ही नहीं ना मेरे आयरे के अंदर दोनों आयर खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि स्टार्ट ही एंड से बड़ा हो गया है तो नल रिटर्न करो ना क्या फ़ायदा तो नल रिटर्न कर दो ठीक है तो ये तो बेस केस क्लियर हो गया अब आगे की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा ना प्री का मतलब प्री ऑर्डर आ का उस पर रूट पड़ा होगा ये हर बारी ट्रू रहेगा ठीक है थीके? तो मैंने बोला यार ये तो रूट का डेटा है ये स्टोर करके रख लेता हूँ अलग से वेरिएबल में और इसकी एक नोड बना लेता हूँ तो मेरी रूट नोड जो है ट्री की थ्री वाली ये जो नोड है ना ये प्रिपेयर हो गई है मेरी ठीक है तो ये हो गया अब आगे का काम क्या बोला था कि ये वाली नोड मेरे को इन ऑर्डर के अंदर ढूंढनी है इस वाली एरे के अंदर ढूंढनी है तो उसके लिए मैंने ये लूप लगा लिया कि इन स्टार्ट से इन एंड तक क्या काम करना है इन ऑर्डर एरे के अंदर जिस भी इंडेक्स पे रूट का डेटा मिल जाए तो वो स्टोर कर लेना के में कि ये वाले इंडेक्स पे हमें मिल गया था और वो हमने के में स्टोर कर लिया और ब्रेक कर लेना और साथ साथ में क्या काम कर रहा हूँ कि यार जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उनको स्टोर भी मतलब उनका काउंट भी मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ कि उनका काउंट भी पता चल जाएगा मुझे साथ साथ कि यार इतने एलिमेंट्स आ चुके हैं मेरे अभी तक लेफ्ट हैंड साइड में और इसके बाकी के जो होंगे एलिमेंट्स वो राइट हैंड साइड में आ रहे होंगे ठीक है तो ये तो क्लियर हो गई स्मॉल कैलकुलेशन वाली चीज़ अब मेरे को क्या करना है कि मुझे कुछ नहीं करना अब सीधा रिकर्सिव स्टेप बचा है हमारा जो बेस्ट स्टेप होता है क्या बोलेंगे कि रूट के लेफ्ट में जो ये जो तुमने नोट बनाया है रूट के लेफ्ट में रिकर्सन कॉल कर देना क्या बिहारों की तरह बोला रिकर्सन रिकर्सन कॉल कर देना ठीक है रूट के लेफ्ट में बताऊंगा ये क्या किया हुआ है इसके अंदर कैसे आ रिकॉर्ड भी वो किया हुआ है और रूट के राइट right में भी रिकर्सन कॉल कर देना इससे जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा टोटल आंसर होगा वो हम रिटर्न करने वाले हैं ठीक है चलो तो क्या है कि ये बिल्ड वाले अंदर हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड को हमने बोला प्री ऑर्डर आय तो सेम टू सेम देनी है अब लेफ़्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे इससे एक आगे वाले एलिमेंट होगा ना मतलब नेक्स्ट से स्टार्ट होंगे लेफ्ट वाले एलिमेंट्स प्री ऑर्डर के अंदर तो स्टार्टिंग के लिए मैंने प्री एस जो था मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस वन कर दिया और काउंट मैंने काउंट किए थे कि कितने एलिमेंट्स मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे थे यहाँ पे काउंट में स्टोर्ड है तो एंड जो मेरा होगा अब वो होगा प्री स्टार्ट प्लस काउंट ठीक है तो जब प्लस वन किया तो अब मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स बन चुका है वन और इसके अंदर मैंने काउंट स्टोर काउंट प्लस कर दिया तो अब मेरा एंटिक इंडेक्स भी हो गया है वन क्योंकि एक ही एलिमेंट था मेरा यहाँ पे इसके अंदर ठीक है तो ये प्री ऑर्डर वाली जो थी वो तो सही हो गई लेफ्ट के लिए अब उसको एरे को तो मैंने सही से डिवाइड कर दिया अब इन ऑर्डर वाली एरे के बात कर लेते हैं तो यार इन ऑर्डर के लिए तो इन ऑर्डर स्टार्ट ही रहेगा और इसके लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स आने चाहिए थ्री के एलिमेंट्स तो वो जो यहाँ के इंडेक्स पे मिला है ना हमको थ्री तो वो माइनस वन कर देंगे तो ये वाले एलिमेंट्स हमें जो थे वो देने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड को और ये रिकर्जन हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड पूरी बना के ले आएगा इससे ठीक है और राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसे बोलना चाहिए कि प्रेस प्लस काउंट पे हमारा ख़त्म हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड प्लस वन करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड और प्री एंड तो पूरा एरे का एंड है ही वहाँ तक हमारा पूरा राइट हैंड साइड रहेगी और इन ऑर्डर के लिए राइट हैंड साइड कैसे ढूंढी जाए तो एक तो जहाँ पे के इंडेक्स पे तुम्हें मिला है थ्री ये रूट नोड था इसके राइट right में चालू हो रहे हैं ना इसके राइट right में चालू हो रहे हैं राइट सब ट्री वगैरह तो के प्लस वन वो कर दो और इन ऑर्डर एंड तो हमारा है ही और उसके बाद एंड में रूट को रिटर्न कर देना ठीक है तो आई होप कि ये समझ आया हो कोड को रन करके देख लेते हैं यार कोई एरर तो नहीं आ रहा नहीं आ रहा सबमिट भी करके देख लेते हैं अच्छा भाई सबमिट भी हो रहा है तो भाई कोड तो बिल्कुल सही है और आई होप कि तुम लोगों को समझ आया हो और अब ना मैं रेगुलरली वीडियोज़ डालने वाला हूँ और मैं ट्रीज़ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स का जो मोस्ट ऑफ दी इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ट्रीज़ का पूछा जाएगा तुमसे इनवेरिएबली तो मैं बोलूँगा यार मेरे साथ साथ कर लेना मतलब मैं जो जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन रोज़ डालूंगा तो बाकी कुछ करो ना करो वो ज़रूर कर लेना ठीक है क्योंकि मैंने ना लीड कोड प्रीमियम खरीद रखा है और मेरे को पता है मुझे फ्रीक्वेंसी पता है कि कौन से क्वेश्चन कितनी जल्दी आता है मतलब कि कौन सी इंटरव्यूज़ में ज़्यादा पूछा जाता है तो मैं वही वाला डालने वाला हूँ तो यार वो कर लेना तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर लेना और सब्सक्राइब और लाइक तो कर लेना मेरे चैनल को शेयर तो करोगे नहीं क्योंकि अपने दोस्तों को तो बताना नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो शेयर कोई नहीं मत करना लाइक और सब्सक्राइब कर देना ठीक है तो थैंक यू गाइस बाय